का दिन है और 2014 के बाद का बीजेपी का जो अभियान है गरीबों को, मजदूरों को, वंचितों को, पीड़ितों को उठाने का, उसमें अब दिल्ली शामिल होना चाहती है। और निश्चित रूप से आज हमारे लिए भी, चूंकि मैं पहली बार एक चुनाव प्रदेश का फ्रंट पे होके लड़ रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़े फैसले का दिन है और मैं बहुत आशान्वित हूँ। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ सब अच्छा होगा और हमें सेवा का मौका लेकिन दिल्ली मिले। की जनता आपको क्यों वोट दे? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अरे हम हाउस भाई, टैक्स माफ कर देंगे, फिर जो है सो आपको लोग क्यों वोट दे? आप किस बिहा पे वोट चाहते हैं? अब देखिए, कहते हैं ना कि जिसकी 56 इंच की जीभ हो तो कुछ भी कह दे, खेलो कहना हो तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कहने को तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, उन्होंने वाईफाई कहा, उन्होंने कहा सीसीटीवी कहा, उन्होंने कहा 500 स्कूल कहा, उन्होंने 20 कॉलेज कहा, उन्होंने टैंकर घोटालों को खत्म कर देंगे, घर घर पानी दे देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। ग्राउंड पे आप चल के जब बात करेंगे, झुग्गी में जाइए, नटराज कॉलोनी में जाइए, किसानों के बीच जाइए, सब लोगों के बीच एक बहुत ही भारी गुस्सा है आम आदमी पार्टी के वादे न पूरे होने के कारण। और वादे न पूरे होना तो अलग बात है, व्यभिचार किया, हवाला कारोबार किया, फर्जी डिग्री धारी बने, बलात्कारी बने, इनके रिजिम में बच्चे भूखों मर रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली तो आज एक बड़ा फैसला सुनाएगी और उसके बाद दिल्ली को मुख्यमंत्री धमकी दे कि हम डेंगू और चिकनगुनिया छोड़ देंगे, बिजली और पानी का दाम बढ़ा देंगे, बच्चों की हाय लगा देंगे, तो दिल्ली जानती है कि जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा के भी सत्ता के लालच में पड़ा रहता है उसको दिल्ली सजा देना जानती है और आज देगी भी।